हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी मॉम्स ब्लॉग में। ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए और ये हम लोग पहुंच भी गए गंगा मैया की पावन भूमि राजघाट। ये आपको दो छतरी जैसी दिख रही होंगी, ये देखिए, जैसे ये अम्ब्रेला ऐसे आपको दिख रहे होंगे। ये दो हैं, किसी किसी के यहाँ पे एक हैं। ये अपने अपने यहाँ के लोगों के, स्वामी लोगों के यहाँ के सिंबल हैं, इनका चिन्ह है। ये जो दो छतरी वाले हैं, जो लोग उनके यहाँ जाते हैं वो ये दो छतरी देख के जाते हैं, और जो लोग एक छतरी वाले के यहाँ जाते हैं वो अपना सिंबल ऐसे करके ये पहचान के लिए रखते हैं कि ये हमारे दो छतरी वाले हैं कि ये एक छतरी वाले हैं। इस तरीके से हम लोग भी पहुँच गए। और ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने गंगा मैया जी के स्नान, मतलब दर्शन किया। स्नान तो हम लोगों ने सुबह किया था, और क्योंकि हम लोग वहाँ 3 दिन रुके थे। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो इतना अच्छा वहाँ का नज़ारा था, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी छोटी क्लिप ले ली जाए आप लोगों को दिखाने के लिए। काफ़ी लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गंगा मैया के दर्शन ही क्यों ना करा दिए जाए। और वहाँ पहुँच के इतनी शांति और इतना सुकून मिल रहा था। ये मेरी दीदी हैं जिनके साथ मैं गई, और ये मामी हैं, इनकी मम्मी हैं। ये इनको मैंने, हम लोगों ने माधोगंज में लिया, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ पे आए। मतलब देखिए, यहाँ पे मौनी अम्बावस के एक दिन पहले का ये दृश्य है। यहाँ पे कितनी भीड़ है, और मौनी अम्बावस वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये सब लोग, कई लोग तो महीना भर पहले से ही रहने के लिए आ जाते हैं, और कई लोग बीच बीच में रहने के लिए आते हैं। फ्रेंड, मैं तो अपनी इतनी बड़ी लाइफ में पहली बार गंगा जी के स्थान पे रहने के लिए गई। वैसे तो जाती हूँ, नहा के चली आती हूँ, पर रुकने का कभी चांस ही नहीं पड़ा। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लोग ये मूर्तियाँ वगैरह यहाँ गंगा जी में, मतलब विसर्जन करने के लिए लाते हैं, तो ये लहरों से इधर टकरा के इधर आ जाती हैं, साइड में लग जाती है, फिर ये पैरों के नीचे पड़ते हैं। मुझे तो देख के बहुत कष्ट हो रहा था। और फिर बाद में हम लोगों ने फ्रेंड दूध चढ़ाया, दूध का भोग लगाया माता जी, गंगा जी को। और ये जो दीदी के साथ मेरी चल रही है, इन्हीं के साथ हम लोग इन्हीं के यहाँ पे रुकेंगे। ये हमारी जगह दिखाने के लिए ले जा रही हैं, जहाँ पे ये मतलब झोपड़ी ऐसी जो टेंट डाल के रखा है। और ये देखिए, फाइनली ये हमारी जगह आ गई। ये सही है, इसमें पैरा पड़ा है। हाँ, इसमें ये ठीक है। वो बंद हो जाती है कि हाँ, वो बंद नहीं होगी, पन्नी नहीं होगी तो डाल लेंगे। ये भैया बंद नहीं होती, डलवा देंगे उसमें, बंद नहीं होती। लोगों की तो बंद नहीं होगी, हम लोग के आते ही यहाँ बादल हो गए, मतलब तो टेंट ही लगा। और इस तरीके मैं अपने टेंट पहुँच गई। फिर बाद में मैंने सोचा कि आप लोगों को इधर नज़ारा दिखा देते हैं। गंगा मैया के दर्शन तो आप लोगों ने कर ही लिए। और इधर ये देखिए, ये सब लोग अपने अपनी पहले से जो रहने आते हैं, अपनी अच्छे से व्यवस्था करते हैं। हम लोग तो अचानक पहुंच गए थे, क्योंकि कोई पहले से प्लान नहीं था कि रुकने का या जाने का ही, तो हम लोगों को जो मिला उसमें हम लोगों को रहना पड़ा। पर वहाँ जिस जैसे भी रहो, बहुत ही मज़ा आती है, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। ये देखिए, वहाँ पर भंडारा चल रहा था, लोग कई लोग भंडारा करा रहे थे। जब मैं ये ब्लॉग बना रही थी तो अचानक पीछे से आवाज़ आई, गौरी गौरी। तो मैंने पलट के देखा तो मेरे भाभी और भैया थे, ये रेड सूट पहने हुए मेरी भाभी हैं, और वो जो आगे ऐसे हाथ फैला रहे थे मेरे भैया, और ये इनका ये जो जैकेट जो ब्लू कलर की पहने, सारा सामान लेके आई हूँ। ये भी रुकेंगी 1-2 दिन। और ये जो है हमारी ग्रीन साल वाली मेरी मौसी हैं, और ये ब्लैक वाली मेरी मम्मी है, ब्लैक साल वाली। और ये देखिए, मेरी मम्मी येलो स्वेटर जो पहने हुए हैं। और अब हम लोगों को भी लेके अपने साथ अपने उसी टेंट में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रुके हैं। ये बोल रही थी भाभी मेरी, क्या वीडियो यूट्यूब के लिए बना रही हो? ये देखिए, हमने इनको भी पहुँचा दिया। अब इनको भी लेके हम लोग गंगा जी के स्नान, मतलब दर्शन के लिए आ गए। और फाइनली अब हम लोगों ने आरती भी शुरू कर दी, क्योंकि शाम हो गई थी, लोग शाम को आए थे। हम लोगों ने आरती की, इतना अच्छा लगा, शाम का नज़ारा वहाँ का इतना अच्छा था।
और हम लोगों ने वहाँ पे इतनी मस्ती भी की। अब देखिए हम आरती को यहाँ पे, मतलब हमने सोचा थोड़ा आगे क्यों ना छोड़ आते हैं। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो गंगा स्नान दर्शन आपको कैसे लगे, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उसके बाद ये मेरे भाई सब हैं जो वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे थे कि बोलो कि कल वास करने आई हूँ। तो मैंने पूछा ये कल वास क्या होता है, मैंने कई बार पूछा कल वास का मीन्स उन्होंने बताया कि गंगा जी के स्थान पे रहने के लिए आई हूँ, तो मुझे कल्पवास का मतलब भी पता चला। फ्रेंड, आप लोगों को अगर पता हो कल्पवास का मतलब तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पहले नहीं पता था। फिर बाद में मेरी दीदी ने यहाँ पे देखिए भोग लगाया, बोल रही थी कि सारा डाल दे, तो मैंने कहा नहीं, ये तो प्रसाद बन गया तो हम सब लोग इस प्रसाद को भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की, आप लोग देखिए। चलो खिंच गई क्योंकि सुनाई गई, फोटो बन रही, वीडियो बन रही है, सब रिकॉर्ड हो जाइए, वीडियो बन रही है। हाँ हाँ, कितनी प्यारी देख, अरे इधर देख, घड़ी घड़ी में देखो, देख देख कितनी अच्छी, वाह, भिगोना मत। फ्रेंड, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत मस्ती की और आप लोगों को आने वाली वीडियो में पार्ट टू में दिखाऊंगी कि मौनी अमावस्या के दिन हम लोग यहाँ के लोगों ने गंगा स्नान और भारी भीड़ और यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से खाना बनाते हैं। फ्रेंड्स, 100 लाइक करने पर आपके लिए पार्ट टू लेके आऊँगी, जिसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। फ्रेंड, राधे।